जबलपुर की महारानी के नाम से प्रसिद्ध महाकाली का विसर्जन जुलूस लटकारी का पड़ाव से भटौली कुंड के लिए शुरू हुआ। 15 किलोमीटर लंबे इस जुलूस में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जबलपुर की महारानी के नाम से प्रसिद्ध महाकाली का विसर्जन जुलूस सबसे अंत में शुरू होता है। शहर की जब सभी प्रतिमाएं विसर्जित हो जाती हैं, तब महाकाली का जुलूस प्रारंभ होता है। महाकाली का जुलूस शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले शुरू होता है, जो अपने स्थान से होते हुए आगा चौक, रानीताल, तीन पत्ती, चौराहा शास्त्री ब्रिज, छोटी लाइन गोरखपुर, कटंगा तिराहा, रामपुर, आदर्श नगर, बादशाह, हलवाई मंदिर, झंडा चौक, गीता धाम, ग्वारीघाट, भटौली कुंड होते हुए जलसा जुलूस और शरद पूर्णिमा की सुबह विसर्जन स्थल पर पहुंचता है। विसर्जन स्थल तक पहुंचने के लिए प्रतिमा को 12 घंटों का सफर तय करना पड़ता है। रास्ते भर महाकाली का स्वागत और पूजन अर्चन किया जाता है। रात भर चलने वाले इस जुलूस में रास्ते भर लोग महाकाली के दर्शन के लिए जगराता करते हैं। अभी वक्त इसलिए निवेदन है, कृपया करके हरी केतन से दूरी बना करके रखें। ये भटौली कुंड जबलपुर का सबसे हरी केतन के बाहर ही रहे आप लोग, और यहाँ पर आज दिनांक तक 340 मूर्तियों रेलिंग से सामने साइड आप लोग को आज एक बार आप लोगों से आग्रह, कृपया करके रेलिंग से दूरी रहें। आज विशेषकर पूर्णिमा के अवसर पर जो महाकाली की प्रतिमा होती है उनका विसर्जन होता है, आज यहाँ पर विसर्जन किया जा रहा है। व्यवस्थाओं की बात की जाए, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे लगाई गई है? व्यवस्था यहाँ बिल्कुल चाक चौबंद है, पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है, रेवेन्यू लगा हुआ है, नगर निगम लगा हुआ है, सारी व्यवस्था यहाँ पर और चाक चौबंद है। सर आपका राजेंद्र शुक्ला, यहाँ पे जिला गोरखपुर। नवरात्रि और दशहरे का समापन जबलपुर की महारानी के विसर्जन के साथ ही होता है। जबलपुर की महारानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जबलपुर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है संस्कारधानी का जहाँ से श्रद्धालु ना आते हो। सबसे खास बात होती है कि जब ये विसर्जन के लिए चलती हैं तो दशहरे से भी ज़्यादा भव्य माहौल सिंगल प्रतिमा के लिए होता है। और माता रानी के विषय में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं। अभी हम भटौली कुंड पे आ चुके हैं और एक बार और ऐतिहासिक विसर्जन होगा। इस बार के विसर्जन में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इस माहौल में भी हम लोगों ने सर्वधर्म संभाव निभाया है और अपने उत्सव को बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से मनाया है। धन्यवाद। भीड़ देख रहे हैं, ये पड़ाव की महारानी, जबलपुर की महारानी माता काली का दशहरा है जो तेरस के दिन अलग ही अपने भव्य रूप से निकलता हुआ देख रहे हैं आप। ये जितना सैलाब देख रहे हैं, जन सैलाब देख रहे हैं, ये माता की भीड़ है। माता का भक्तों का, माता रानी सबका भला करे, सबका उद्धारा करे, कोरोना जैसी महामारी से सबको बचाए। मैं जबलपुर के सभी नागरिकों से अपील करता हूं, एक होकर रहे, जनशक्ति दिखाए, अपने देश को आगे बढ़ाए। बोलो काली मैया की जय। उत्साह की बात की जाए जी, उत्साह की बात की जाए, इन दो सालों में महाकाली का जुलूस नहीं निकल पाया, आज कैसा उत्साह है आप लोगों को? आप ये भीड़ दिखा रही है जो लगातार रात के 9 बजे से जो कंटिन्यू चलते हुए आ रही है, आप एक एक जनता जो शुरू से थी वो आखिरी तक है, ये दो सालों का रिजल्ट है। यहाँ पे जो जितनी भी भीड़ दिख रही है, दो सालों का रिजल्ट है ये। सिद्धार्थ सोनकर, जबलपुर की प्रमुख प्रतिमा है पड़ाव की काली, तो उस वो प्रतिमा अपने गंतव्य स्थल जहाँ पर अब विसर्जन होना है वहाँ पहुँच चुकी है। और प्रतिमा रात में 9:30 बजे निकली थी और अभी तक वो 6 बजे के आसपास पहुंची और शांतिपूर्ण बिना किसी विवाद के प्रतिमा यहाँ पहुंच चुकी है। और अभी फिर तैयारी की जा रही है और उसके बाद विसर्जन किया जाएगा। सभी जो पुलिस स्टाफ लगा था उन्होंने अपनी ड्यूटी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ ईमानदारी से निभाई, मैं उनको बधाई देता हूँ। और आगे भी जो हमारी कल जो प्रतिमा है पचपुरा वाली काली माता की, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और आशा करते हैं कि वह भी शांति को उसका भी विसर्जन किया जाए। सर स्टाफ की बात की जाए, लगभग कितना पुलिस स्टाफ लगाया हुआ है? लगभग जो हमारा स्टाफ लगा था उसमें 6 तो हमारे CSP रैंक के अफसर, 13 TI रैंक के अफसर थे और अन्य स्टाफ था। कुल मिलाकर लगभग 150 का स्टाफ लगा हुआ था। उन्होंने बहुत ही अच्छी ड्यूटी की और उसके कारण शांतिपूर्ण हम प्रतिमा को यहाँ कर।
अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।